सो इस लेक्चर में हम मिडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज हैं उन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने एमसीक्यू के जो पहली यूनिट है आपका फर्स्ट पार्ट आपका डिस्कस किया था, और ये सेकंड पार्ट है आपके एमसीक्यू सीरीज का, जिसमें हम कई सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आने वाली एमपीपीएससी 2020 है उसके लिए डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आ चुका है, अभी आया है ना? ठीक है, ओके ठीक है। तो एमपीपीएससी वैक्सीन सीरीज है, 100 डे सीरीज, जिसका 25th डे है, और मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 है। पीवाईक्यूज जो हैं, पीवाईक्यूज के अंदर आपको अलग अलग एग्जाम्स के, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, या जनरली स्टेट पीएससी जो हैं, उनके जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं वो ओल्ड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये जनरली आपको पता है कि जो पीवाईक्यूज हैं वो आपकी मेंस के, जो आपका मेन एग्जाम है एमपीपीएससी का, उसमें आने की संभावना ज्यादातर आपको बनी रहती है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यूज से, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स जो हैं उनसे यहाँ पर आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अभी अनअकैडमी पे कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं? तो अनअकैडमी पर अभी एक एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक कोर्स चल रहा है, कंप्लीट कोर्स ऑन एमपीपीएससी प्रीलिम्स, जिसके अंदर अभी हम यूनिट नंबर जो 4 है, इट्स इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वो पार्ट इसके अंदर हम 4 नंबर वाला पार्ट कर रहे हैं। अभी अभी तक उसके अंदर 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, चौथी यूनिट यहाँ पर आपको चल रही है। उसके अलावा आपके एक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसके अंदर ये जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उन्हीं के ऊपर बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं, एक एक दूसरी क्लास में हम लोग उसके ऊपर बेस्ड जो एमसीक्यू हैं उन एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, है ना। उसके अलावा भी मेंस के भी कई सारे कोर्स चल रहे हैं जो अभी प्री के कारण थोड़ा सस्पेंडेड है। ठीक है, अब प्लस कोड के लिए आपको क्या करना है? प्लस के कोड के लिए आपको मेरा जो कोड है प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए, पवन लाइव कोड है, इस कोड का यूज करना है। अब अगर इस कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% जो डिस्काउंट है वो प्लस कोड पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये डिस्काउंट जो है ये आपको 28 तारीख तक ही मिलेगा, 28th फेब तक मिलेगा। 28th फेब के बाद जो ये डिस्काउंट है 10% से कम होकर 5% यहाँ पर आपको हो जाएगा। तो अगर आपको प्लस लेना है या अपने प्लस को रिन्यू करना है तो 28 के पहले कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो कोड के ऊपर जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट आपको यहाँ पर 5% यहाँ पे कम हो जाएगा। उसके बाद आप अपने जब लेक्चर देखते हैं यू आर गेटिंग सम क्रेडिट पॉइंट, और उन क्रेडिट पॉइंट को भी आप 10% तक यहाँ पर आपको रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 880 क्रेडिट पॉइंट और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 1280 क्रेडिट पॉइंट जो है वो आप रिडीम करवा सकते हैं। तो टोटल 1 साल पे आपको 1672 रुपीज का जो बचत है, इतना बचत यहाँ पर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने प्लस नहीं लिया है वो प्लस ले, और 2 महीना एग्जाम में बचा है एग्जैक्टली, तो 2 महीने में अपनी जो प्रिपरेशन है उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर तरीके से आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन यहाँ पर आपको हो जाए, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज और एमसीक्यू के साथ में आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सभी चीजें इसके अंदर यहाँ पर आपको डिस्कस होती है ना। हाँ, तो योर सिविल सारथी जो लिखा है ना नीचे, इसको जाके आप सर्च करोगे SAA, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न के एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें स्पेशली हम आज जो 1857 का जो रिवोल्ट था उस रिवोल्ट के ऊपर कुछ बेस्ड एमसीक्यू करेंगे, और बाकी फिर जनरल कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो आगे के टाइम के यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के ये सामने ये रहा, सो व्हाट वाज द रोल ऑफ टाट्या टोपे इन द 1857 म्यूटिनी, 1857 की जो क्रांति है उसमें टाट्या टोपे जो है उनका क्या योगदान था या क्या उनकी भूमिका थी? ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द नाना साहेब, नाना साहब जो पेशवा थे तो उनके कमांडर इन चीफ थे, एंड ही ऑर्गेनाइज द भील ऑफ द पंचमहल रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश, उनके खिलाफ पंचमहल के लोगों को इकट्ठा किया, बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए नाइदर बी। चलिए, योर पोल स्टार्ट नाउ। सेवन बच्चे सी लगा रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ उन्होंने किया नहीं था। कहाँ पढ़ लिया तुमने, कौन किताब में पढ़ लिया? चलिए, सो द राइट आंसर इज, सिर्फ काफी 25-30 लोगों ने सही आंसर लगा पाए हैं इसका। ठीक है, द राइट आंसर इज ए। तो ये आज तो नाना साहब पेशवा जो हैं उनके कमांडर इन चीफ थे, एंड अब नाना साहब जो पेशवा हैं तो ये आपके जो पेशवा लोग थे, आपके पेशवा पीपल थे,
तो उन पेशवा को जो डायनेस्टी था उसके लास्ट पेशवा थे यहाँ पे नाना साहब, इनको अंग्रेजों ने फिर क्या करा, इनको अंग्रेजों ने पेंशन दे दी, और पेंशन दे के इनको आपका जो कानपुर के पास में एक जगह है बिठूर, तो बिठूर में जाके इनको वहां पर रख दिया, वहां पर ये रहने लग गए। बट वहां पर अंग्रेजों ने इनकी पेंशन जो है पेंशन बंद कर दी, और इनके जो सेनापति थे वो आपके तात्या टोपे या तांत्या टोपे भी उनको बोला है, तो तात्या टोपे थे। अब नाना साहेब का जो कॉज था आपका उनकी पेंशन का, तो वो सक्सेसफुल जब नहीं हो पाया, तो उसके बाद नाना साहेब जो है, तो नाना साहेब ने वहां पर रिवोल्ट किया अंग्रेजों के खिलाफ, और उसके बाद नाना साहेब को पकड़ के वहां से वो नेपाल चले जाते, तो तात्या टोपे जो है वहां से निकल जाते हैं, और वहां से निकल के वो आपके राजमहल हिल वगैरह होते हुए आपके नॉर्थ वाला, मतलब आपका जो पूरा मध्य प्रदेश का सेंट्रल वाला पार्ट है, वहां से होते हुए रानी जो झांसी की रानी है उनकी मदद के लिए यहाँ पर आपको झांसी के पास में यहाँ पर आपको पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे जाते हैं, बीच में आपके जो भीमा नायक वगैरह जो थे, इन लोगों ने इनकी यहाँ पर आपको हेल्प की थी। ठीक है, जबकि जो पंचमहल वाला है, तो पंचमहल के आसपास का जो रीजन है, जो मध्य प्रदेश और आसपास का पूरा रीजन है, तो यहाँ पर भीमा नायक या खाजा नायक वगैरह जो है, इन लोगों ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन है वो आंदोलन यहाँ पर आपको स्टार्ट किया था, तो उसमें तट्टा टोपे का कोई योगदान इसके अंदर नहीं था। फिर ये यहाँ पर आते हैं, झांसी आते हैं, फिर झांसी की जो रानी है उनकी भी मृत्यु हो जाती है अंग्रेजों के साथ में वॉर लड़ते हुए, और उसके बाद ये फिर अपना खुद का एक गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, अपना खुद का गोरिल्ला वॉरफेयर से अपना जो बैटल है वो बैटल वहां पे लड़ते रहते हैं, और 1859 में फिर शिवपुरी के जंगलों में आपके तट्टा टोपे जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर इन द लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति में लखनऊ के प्रमुख नेता कौन थे, या किसने इस आंदोलन को यहाँ पे लीड किया, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, या बहादुर शाह सफर। चलिए, यू पोल स्टार्ट नाउ। डी कमेंट के अंदर कमेंट सेक्शन में ना करें, पोल में आंसर करें। अरे पोल इसीलिए दिया है हमने, खर्चा करके पोल बनवाया आप लोगों के लिए, और अब उपयोग ना करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, चलिए, सो ए इज राइट आंसर, है ना। तो बेगम हजरत महल है, ये बेगम हजरत महल जो है ये लखनऊ की आपकी बेगम हुआ करती थी। ठीक है, और ये लखनऊ के जो आखिरी नवाब है, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह है ना, जिनको माल एडमिनिस्ट्रेशन या कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने हटाया था, तो उनकी वाइफ थी। अब इनकी जब डेथ हुई आपके नवाब वाजिद अली शाह की, अब उसके बाद उनका एक छोटा सा बेटा था, उसका नाम था बेजरस कादर, तो उस बेटे को अपना राजा बना के, अवध का राजा बना के बेगम जो हजरत महल है उन्होंने यहाँ पर अपना रूल करना स्टार्ट किया, और वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 का जो बैटल है उस बैटल में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत यहाँ पर आपको कर दी, और अल्टीमेटली बेगम जो है इनको भी पकड़ के फिर आपको नेपाल के अंदर यहाँ पर इनको कैद कर दिया गया था। उसके रानी लक्ष्मीबाई है, इन्होंने झांसी के अंदर रिवोल्ट किया। कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह ने आपका जो बिहार है तो बिहार के अंदर इन्होंने अपना विद्रोह किया। बहादुर शाह जफर जो थे ये दिल्ली में थे, तो उस समय पे मुगल बादशाह थे, एंड वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सो हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल सपोर्टेड द रिवोल्ट ऑफ झांसी, है ना, इनमें से किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी के विद्रोह को दबो दिया, उसको दबा दिया या सप्रेस कर दिया, सॉरी मैंने सपोर्ट बोल दिया, तो इनमें से किसने उनके रिवोल्ट को यहाँ पर आपको सप्रेस कर दिया, तो कॉलिन कैम्बल, हेनरी हैवलॉक, हेनरी लॉरेंस, या फिर आपका ह्यूज रोज। यू पोल स्टार्ट नाउ। सॉरी, तो डी इज द राइट आंसर, है ना। 1857 के बैटल में अंग्रेजों ने आपको जो रानी की झांसी, झांसी की रानी है उनको डिफीट करने के लिए ह्यूज रोज जो है इनको झांसी भेजा, और इन्होंने ग्वालियर का जो बैटल था उस ग्वालियर के बैटल में इनको डिफीट किया, और इनको उसी से युद्ध के अंदर इनकी
रानी की जो मृत्यु है, रानी की मृत्यु भी यहाँ पर आपको हो जाती है। ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग समय रिवॉल्ट हुआ। जैसे मेरठ के अंदर 10 मई को रिवॉल्ट हुआ, वहां पर बंगाल आर्मी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट किया, और उस समय अंग्रेज अधिकारी था जो जनरल हैविट है, उसने उस सप्रेशन को दबाया, उसको पूरा सप्रेस किया। फिर मेरठ के अंदर, उसके बाद दिल्ली के अंदर 11 मई को हुआ, बहादुर शाह जफर और बखत खान है उन्होंने आपका आंदोलन किया, जॉन निकल्सन और लेफ्टिनेंट हटसन है उसने उसको डिफीट किया। लखनऊ के अंदर हजरत महल थी, कॉलिन कैम्बल ने डिफीट किया। कानपुर के अंदर नाना साहेब, तात्या टोपे और अजमेरुल्ला खान थे, उनको भी कैम्बल ने डिफीट किया। झांसी और ग्वालियर है, वहां पर लक्ष्मीबाई थी, ह्यूज रोज जो है उन्होंने डिफीट किया, और अप्रैल 1858 में झांसी, और फिर जून 1858 के अंदर ग्वालियर को कैप्चर किया। बरेली में आपके खान बहादुर खान थे, फिर जगदीशपुर के अंदर आपके वहां पर आपके महाराजा कुंवर सिंह थे, है ना, कुंवर सिंह वहां के लोकल जमींदार थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, पटना के अंदर मौलवी पीर अली थे। ठीक है, तो ये अलग अलग जो लीडर्स थे जिन्होंने इस पूरे रिवॉल्ट के अंदर, इस पूरे आंदोलन को वहां पर आपको इन इन अंग्रेज अधिकारियों ने यहाँ पर आपको सप्रेस किया, और ये जो ऐसे लीडर थे जो इंडियन लीडर्स थे जिन्होंने उस पूरे आंदोलन को यहाँ पे अलग अलग जगहों पर यहाँ पे लीड किया। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए, सो विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन इकोनॉमिक कोर्स ऑफ द 1857 रिवॉल्ट, इनमें से कौन सा जो है 1857 की जो क्रांति है उसका आर्थिक कारण नहीं है, इकोनॉमिक रीजन नहीं है? तो हैवी टैक्सेशन, ज्यादा कराधान, फिर कट डाउन द मेजर पेट्रोनेज फॉर द आर्टिजन एंड द हैंडीक्राफ्ट, कारीगर हस्तशिल्प जो है उनके संरक्षण में कटौती, उनका संरक्षण खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति लागू करना, या इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, कृषि लैंड जो है उसके ऊपर दबाव पड़ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारण इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए, यू पोल स्टार्ट नाउ। ओके, सो हड़प नीति कौन सा कारण था? हड़प नीति कौन सा कारण था? पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण, वेरी गुड, है ना, तो एक तरह से पॉलिटिकल कारण था। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, एक तो टैक्सेशन उन्होंने बढ़ा दिया, जो विदेशी चीजें वगैरह थी उनको भारत में लाना शुरू कर दिया, तो उसके कारण, और इंडियन चीजों के ऊपर टैक्स है वो टैक्स इंक्रीज कर दिया। फिर दूसरा, जो दरबार है, तो राजाओं के जब दरबार खत्म हुए, उनके पॉलिटिकल जो ऑफिसेस जब खत्म हुए, दरबार वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, राजा का रूल खत्म हो गया, तो राजा के साथ में कई सारे आपके दरबारी लोग रहते थे, कई सारे उनके सैनिक वगैरह रहते थे, तो वो सभी लोग भी यहाँ पर आपको एंड हो गए, वो सभी लोग यहाँ पर आप खत्म हो गए, और उसके कारण जो लोकल बिजनेस था वो लोकल बिजनेस पूरी तरह से यहाँ पर आपका लोकल जो हैंडीक्राफ्ट है, आर्टिजन वगैरह थे, कोई तलवार बनाता था, कोई कपड़े बनाता था, कोई जूते चप्पल बनाता था, सब लोगों का बिजनेस खत्म हो गया। और अंग्रेज लोग जो हैं वो विदेशों से सामान लाते थे, वो जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें यूज करते थे, वो सिर्फ उनका पूरा विलायत से आता था, उसी का उपयोग करते थे। हड़प नीति जो है, जिसके अंदर डलहौजी के टाइम पर मेनली उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जहाँ पे जिन राजाओं के बच्चों की डेथ हो जाती है तो किसी अडॉप्टेड सन को या किसी भी आपका जो गोद लिया हुआ बच्चा है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चौथा जो है, इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि पे दबाव बढ़ गया, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी आपके आर्टिजन्स या हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, या जो राजाओं के दरबार में काम करते थे, अब राजा के दरबार खत्म हो गए, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन का काम खत्म हो गया, उसके बाद सब वो लोग गाँव पहुंच गए। अब गाँव में जाके क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात, वहां पे एक ही ऑप्शन है, खेती करेंगे, तो उन्होंने वहां पर खेती वगैरह करना शुरू किया, तो उसके कारण एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर भी बड़े लेवल पे जो प्रेशर है वो प्रेशर यहाँ पर आपको बढ़ जाता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, बाकी तीनों जो है वो इकोनॉमिक रीजन थे, ये आपका पॉलिटिकल रीजन था, राजनीतिक कारण था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति है उसके बारे में, इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? ठीक है, सो द रिवोल्ट वॉज मेड बाय द कम्युनल राइट, विद्रोह को सांप्रदायिक दंगों के द्वारा दबा दिया गया, या देर वॉज अ कम्प्लीट कॉपरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम एट ऑल लेवल, पब्लिक सोल्जर लीडर सबने सपोर्ट किया, काउ स्लॉटर वॉज बैंड, गाय की हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया गया, रेबल एक्नॉलेज बहादुर शाह जफर एज ए एम्परर, बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट स्वीकार कर लिया, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो 57 की लड़ाई के लिए गलत है?
रॉन्ग है। पोल स्टार्ट नाउ। नमस्ते वैशाली। मैं ऐसा। गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। नहीं, सही बोल रही हो तुम। चलिए, सो द राइट आंसर इज ए, है ना, द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो है कम्युनल राइट वगैरह कुछ हुआ नहीं, इवन यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों मिलके काम कर रहे थे और अच्छे तरीके से सब लोगों ने, ज्यादातर जो मुस्लिम लीडर्स वगैरह थे उनका हिंदुओं ने सपोर्ट दिया, हिंदू लीडर्स थे मुस्लिमों ने यहाँ पर आपको सपोर्ट किया, तो ऑब्वियसली बात ये उसका कोई रीजन नहीं था। फिर हिंदू मुस्लिम का कॉपरेशन बढ़िया था उस समय पे, गाय की हत्या वगैरह पे प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम जो सैनिक थे वो हिंदू सैनिक थे, तो उनका ये था कि गाय वगैरह पे के कटाव पे उसका वो, या उनके काटने पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो वो प्रतिबंध लगा दिया। फिर जब सोल्जर हैं वो आपका, उन्होंने जब विद्रोह किया तो सबसे पहले वो मेरठ से दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचने के बाद जो बहादुर शाह जफर हैं उनको अपना राजा, अपना किंग डिक्लेयर कर दिया, तो वो भी सही ऑप्शन है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको गलत है। चलिए, चलो, सो ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। सो हु मर्डर्ड द जनरल माइकल ओ डायर। तो पोल स्टार्ट नाउ। ओके, सो राइट आंसर इज उधम सिंह। तो सरदार उधम सिंह थे, इन्होंने जनरल डायर जो है उसको इंग्लैंड जाके उसको यहाँ पर आपको किल किया, ठीक है। तो 1919 में जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, तो उस जलियांवाला बाग मैसेकर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, मतलब उसमें जनरल डायर जो था इसके आदेश पर लोगों के ऊपर यहाँ पर आपको गोली चलाई गई थी, और उसके बाद इसका यहाँ से ट्रांसफर हो गया। उसको बचाने के लिए कई सारे कोशिश यहाँ पर आपको की गई जनरल डायर के द्वारा, उसको बचाने के लिए अलग से कमीशन वगैरह बनाए गए, फिर उसको यहाँ से इंग्लैंड भेज दिया। वहां पर उधम सिंह गए और उधम सिंह ने वहां पर जाके उनको, उनकी यहाँ पर आपको हत्या कर दी, उनका असैसिनेशन कर दिया। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। सो हु हैड स्टार्टेड द जुगांतर। जुगांतर की शुरुआत किसने की? ऑप्शन पढ़ो। चलिए, पोल स्टार्ट नाउ। ओके, सो ए इज राइट आंसर। श्री अरविंदो घोष थे, इन्होंने अपना ये जो मेन ऑर्गेनाइजेशन जुगांतर करके एक न्यूज़पेपर है, वो जुगांतर की उन्होंने यहाँ पर एक ग्रुप है, जुगांतर, जुगांतर ग्रुप की शुरुआत की, ठीक है। तो उनके साथ में कई सारे उनके लोग थे, उनके भाई थे, उनका नाम था बरीन घोष,
भूपेंद्र नाथ दत्ता, राजा सुबोध मलिक वगैरह 1906, तो उन्होंने एक जुगांतर करके एक पार्टी बनी। अब इनका मेन पर्पस यहाँ पर यह था कि रिवॉल्यूशन या आपका जो क्रांतिकारी गतिविधियां वगैरह है उनको यहाँ पर आपको तेज करना, तो जुगांतर पार्टी का स्टैब्लिशमेंट किया। उसके बाद उनके अंदर जुगांतर के अंदर ये एक और एक पार्टी थी, उसका नाम था अनुशीलन समिति। तो बरिंद्र कुमार घोष उसके अंदर एक अनुशीलन समिति बनी, जिसमें भूपेंद्र नाथ दत्त है या आपके उन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, और वीकली जुगांतर जो है वो 1906 से यहाँ पर आपको स्टार्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने कई सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बना रखे, और उन ग्रुप्स के माध्यम से कई सारी जो एक्टिविटीज हैं क्रांतिकारी गतिविधि वगैरह जो है वो करने का काम ये लोग करते थे। तो जुगांतर जो है अरविंदो घोष ने स्टैब्लिश किया। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द राइज ऑफ द फरीजी आंदोलन। फरीजी आंदोलन है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, मतलब उसका जो उसको उसके उदय का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन पढ़ लो फटाफट। चलिए यू पोल स्टार्ट नाउ। ओके जस्ट वेट है। ओके सो द राइट आंसर इज बी, है ना। तो बेसिकली जो फरीजी आंदोलन था, तो जो मुस्लिम टेनेंट्स थे, जो मुस्लिम किसान थे, उन लोगों का अंग्रेजों के द्वारा एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन जो है आंदोलन यहाँ पर आपको स्टार्ट किया। ठीक है, और बेसिकली कई सारे जो लोग थे तो उनको इंग्लिश एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड की जा रही थी, उसके कारण ऐसा माना जा रहा था, कुछ लोगों का मानना था, किसके कारण जो मुस्लिम लोग हैं भारत के उन लोगों का जो धर्म से जो झुकाव है वो झुकाव यहाँ पर आपको खत्म होता जा रहा है। तो उसके लिए उन लोगों ने जो फरीजी आंदोलन है वो फरीजी आंदोलन यहाँ पर आपको स्टार्ट हुआ, जिसमें आपको जो दादू मियाँ थे वो उनके सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे, और उनकी डेथ हुई, तो उनकी डेथ के बाद बाकी उनके जो सपोर्टर लोग थे उन्होंने उस आंदोलन को यहाँ पर आपको कंटिन्यू किया। तो ये बेसिकली बंगाल के जो मुसलमान थे उन लोगों की मदद करने के लिए, जो किसान मुसलमान थे उनके लिए फरीजी आंदोलन को स्टार्ट किया। फिर 1860s में उनकी डेथ के बाद वो खत्म हो गया, लेकिन उनके जो बाकी लोग थे उन्होंने इस आंदोलन को लंबे समय तक जारी रखा। चलिए, हु रोट द बुक इट्स कॉल्ड द असबाब बगावत हिंद, ये किताब जो है किसने लिखी थी। सर सैयद अहमद खान, वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार या मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। हु वॉज द राइटर असबाब बगावत हिंद। ओके सो ए इज राइट आंसर। सर सैयद अहमद खान उस समय के जाने माने मुस्लिम लीडर हुआ करते थे, और मतलब उस एरिया के पूरे भारत में एक अंग्रेज अधिकारी थे, या आप बोल सकते हैं कि जमींदार, या फिर आपका जो SDM टाइप कुछ इनको पावर अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, और अंग्रेजों के बड़े हिमायती थे, बड़े सपोर्टर थे। कई बार हमले वगैरह के अंदर अंग्रेज अधिकारियों को उन्होंने यहाँ पर आपको उन्होंने इनको यहाँ पर आपको सेव किया था। ठीक है, सर सैयद अहमद खान है, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो सब लोगों ने अलग अलग प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन किया, अलग अलग प्रकार से व्याख्या की। किसी ने उसको ट्राइबल, किसी ने उनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक एग्जाम्पल बताया, किसी ने उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया आपकी वीर सावरकर ने, किसी ने उसको म्यूटिनी बताया, अलग अलग नामों से रिप्रेजेंट किया। लेकिन इन्होंने किताब लिखी असबाब बगावत हिंद, और किताब के अंदर उन्होंने फिर डिफाइन किया कि देर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी जो है उसकी कमी है, जो सरकार की इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक, और लोगों की जो इन्फॉर्मेशन सरकार तक यहाँ पर आपको पहुंचा सके। तो उन्होंने बोला देर इज अ नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है जो गवर्नमेंट और जो पीपल ऑफ इंडिया है, भारत के लोग हैं, उनके बीच में एक एक ब्रिज का काम यहाँ पर आपको कर सके। तो वो एक उन्होंने मेन रीजन है
उस किताब के अंदर यहाँ पे बताया। फिर आपके एल स्टेनली थे, उन्होंने इसको म्यूटिनी बोला। टी आर होम्स है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन बोला, मतलब हम बर्बर हैं वो सिविलाइज हैं। फिर जेम्स ऑट्रम है, उन्होंने उसको हिंदू मुस्लिम कंस्पेरेसी बताया, हिंदू मुस्लिम आपका षड्यंत्र बताया। फिर बेंजामिन डिसरायली हैं जो बाद में जाके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने नेशनल रिवोल्ट बताया। वीडी सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आर सी मजूमदार है, उन्होंने बोला कि इट्स नाइदर वॉर नॉर इंडिपेंडेंस, ना आज़ादी का कोई लड़ाई है ना कोई यहाँ पर युद्ध है, ऐसे ही सैनिकों का बगावत यहाँ पर है। तो ए इज द राइट आंसर, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब थी। चलिए अगला क्वेश्चन। सो बासुमती द ओल्डेस्ट बंगाली डेली न्यूज पेपर वॉज एडिटेड बाय, किसके द्वारा संपादित किया जाता था बासुमती? आनंद मोहन बोस, सूर्य सेन, बरिंद्र कुमार घोष, या फिर आपके वी डी सावरकर? नहीं, फॉर्म भरा है और एग्जाम नहीं दिया है तो काउंट नहीं होगा, वो रूल आने वाला है लेकिन अभी वो रूल नहीं है। ओके, सो बासुमती जो न्यूज़पेपर था, बरिंद्र कुमार घोष है, इन्होंने स्टार्ट किया था, और इनका एक ग्रुप था उसका नाम था मणिक ताला ग्रुप। और यहाँ पर उन्होंने मणिक ताला ग्रुप में आपका बागा जतिन है, तो उनके साथ में मिलके उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन है, बरिंद्र कुमार घोष है, उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। उसके बाद इनको जो अलीपुर बॉम्ब केस है, तो अलीपुर बॉम्ब केस में इनका नाम आया कि इनके का इन्होंने वो हमला किया था, एक्चुअली इन्होंने हमला किया था बरिंद्र कुमार घोष ने, तो उसके कारण उनको डेथ सेंटेंस वहां पे दिया गया। फिर उनको सेलुलर जेल ले जाया गया 1909 में, और वहां पर उनको फिर बरिंद्र कुमार घोष है तो उनको वहां से बाद में रिलीज कर दिया। एक और न्यूज़पेपर था इनका, उसका नाम था वीकली न्यूज़पेपर था, द डॉन ऑफ इंडिया करके वो उन्होंने लिखा। फिर एक द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर करके एक न्यूज़पेपर उन्होंने और स्टार्ट किया। फिर एक बंगाली के अंदर आपके 1950 में, 1950 में दैनिक बासुमती करके एक जो पेपर है वो पेपर यहाँ पर आपका पब्लिश किया। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, बहुत जाने माने पॉलिटिशियन थे, जाने माने फ्रीडम फाइटर थे, सी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, इनमें से किसे जो है भारतीय क्रांतिकारियों की माँ के रूप में जाना जाता है? रीड द आंसर ऑप्शंस। यू पोल स्टार्ट नाउ। ओके, राइट आंसर इज द मेडम कामा, है ना? तो ये जानी मानी रिवॉल्यूशनरी लीडर थी भारत की, और इन्होंने कई सारे अलग अलग कंट्रीज में जाके उन्होंने भारत की आज़ादी का जो आंदोलन था उसका इन्होंने यहाँ पर आपको सपोर्ट किया। 1861 के अंदर इनका बॉम्बे के अंदर जन्म होता है। उसके बाद इन्होंने भारत का जो पहला झंडा था, मतलब जो कांग्रेस का पहला झंडा आप मान सकते हो, ये भारत का भी पहला झंडा आप उसको बोल सकते हैं, तो वंदे मातरम वाला झंडा बनाया, तीन कलर में, एक तरह से आपका ग्रीन है, सेफ्रन है और रेड है, ये तीन कलर का उन्होंने एक झंडा बनाया। बीच में वंदे मातरम में सूरज चांद तारे वगैरह सब कुछ उसके अंदर यहाँ पर आपको डिपेक्ट किए। ठीक है, तो ये वंदे मातरम का जो पहला इस प्रकार का जो फ्लैग था, तो फ्लैग उन्होंने यहाँ पर आपको बनाया। उसके बाद 1936 के अंदर इनकी आंदोलन के टाइम पर ही यहाँ पर इनकी डेथ हो गई। ठीक है, बर्लिन गई, जर्मनी गई, जर्मनी बर्लिन में जाके उन्होंने ये झंडा है वो झंडा वहां पर आपको लहराया, और वहां पर भारत की आजादी है उसके लिए उन्होंने यहाँ पर आपको डिमांड किया कि लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करी ताकि आंदोलन को यहाँ पर आपको चलाया जा सके। सी इज द राइट आंसर। सो द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे ऑफर्ड सत्याग्रह इन विच अमंग द फॉलोइंग वे, किस तरीके से उन्होंने अपना सत्याग्रह जो है वो सत्याग्रह की पेशकश की है, किस तरह से सत्याग्रह उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह किस तरीके से किया था? यू हैव द ऑप्शन, ऑप्शन रीड कर लो। यू पोल स्टार्ट नाउ।
आवाज नहीं आ रही। आ रही है। ओके okay. ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। अब ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, तो महात्मा गांधी ने आपका जब सिविल डिसोबीडियंट वगैरह आंदोलन वगैरह जब खत्म हुआ, तो उसके बाद में कोई बड़ा जो आंदोलन है, कोई बंदा बड़ा आंदोलन स्टार्ट नहीं किया। फिर 1939 में जो वर्ल्ड वॉर है, तो 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, और जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उस समय पे कोई बड़ा आंदोलन कर नहीं सकते, तो उस समय महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एक इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसके अंदर जो भी सत्याग्रही है, तो पहले क्या होता पूरे ग्रुप में प्रेजेंट करते थे, तो यहाँ पर यह था कि ग्रुप में न जाते हुए जितने भी सत्याग्रही हो इंडिविजुअल रूप से जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से जाएंगे, और व्यक्तिगत रूप से जाके यहाँ पर आपको आंदोलन जो है वो आंदोलन के अंदर यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, उसमें पहले सत्याग्रही आपके आचार्य विनोबा भावे बने, सेकेंड सत्याग्रही जो है वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो बने, तीसरे जो सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त नाम के कांग्रेस के लीडर थे, तो वो तीसरे सत्याग्रही बने। अब ये लोग क्या करते थे कि सड़कों पे जाते थे या किसी मैदान में जाते थे, वहां पर जाके सरकार के खिलाफ बोलते थे। तो विनोबा भावे हैं उन्होंने एंटी गवर्नमेंट जो एंटी वॉर मूवमेंट यहाँ पे चलाया, सरकार की युद्ध के खिलाफ घोषणा उन्होंने की, क्योंकि कांग्रेस जो है उस समय पे युद्ध के सपोर्ट में नहीं थी कि भारतीय लोगों का उपयोग युद्ध में किया जाए, तो एंटी वॉर उन्होंने स्पीच दी और उसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। सी इज राइट आंसर। चलिए, सो पिंडारी वॉर इज ऑल्सो नोन एज, जो पिंडारी वॉर हुआ 1817 से 1818 में, इसको और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, या फर्स्ट कर्नाटक वॉर? पोल स्टार्ट नाउ। ओके, सो पिंडारी वॉर इसलिए बोला जाता है कि उसमें जो पिंडारी लोग थे, तो आपके पूरे सेंट्रल इंडिया में कई सारे पिंडारी करके एक अब कम्युनिटी नहीं बोल सकते, ग्रुप हुआ करता था, उसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग हुआ करते, एक तरह से लुटेरे हुआ करते थे या डाकू के रूप में वो काम करते थे। तो उन लोगों ने जब थर्ड वॉर जब हुआ, तो पहला और दूसरा बैटल लड़ते लड़ते जो मराठा लोग थे तो उनका पावर लगभग खत्म हो गया, और थर्ड वॉर के टाइम पर कहा जाता है कि उन्होंने पिंडारियों को सपोर्ट किया, या अंग्रेज हैं उनका आरोप था कि पिंडारियों के सपोर्ट से उन्होंने यहाँ पर युद्ध लड़ा, तो उसके कारण उसको पिंडारी वॉर किया गया। अंग्रेज अधिकारी जो स्लीमन वगैरह थे, कई सारे दूसरे लोगों ने भी आपके सेंट्रल इंडिया के रीजन में आके उन पिंडारियों को खत्म किया, और मराठों की जो सेना है उनके अंदर भी कई सारे अपने पिंडारी लीडर्स वगैरह यहाँ पर आपको हुआ करते थे। ठीक है, इसलिए उसको पिंडारी वॉर कहा जाता है, और ये आखिरी वॉर था। इस वॉर के बाद मराठा जो है वो इंडिपेंडेंट न रहे, और उन्होंने फिर अंग्रेजों के साथ में उनको संधि करना पड़ी, अंग्रेजों के साथ में जाके उनको मिलना पड़ा। ठीक है, तो कई सारे ऐसे पिंडारी लीडर्स थे बंगाल में, डेक्कन में, और बाकी रीजन के अंदर। ठीक है, तो सी इज द रीजन, सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द ग्रुप ऑफ ब्रदर्स ऑफ इंडिया, एंड ब्रदर ऑफ इंडिया जो ग्रुप है वो समूह किसने एस्टेब्लिश किया? एनी बेसेंट, जॉर्ज फ्यूरस्टाइन, एच एस ऑकलेट, या फिर आपका एलन बेट्स? चलिए, तो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, तुम नहीं पूछ रहे हो। पढ़ो, तुमने नहीं पढ़ा कभी फर्स्ट वॉर सेकंड वॉर? कभी नहीं पढ़ा? चलिए, सो
शांति का माहौल है, ठीक है। सो एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। आ गया ना एक अशांत मानव, अब शांति थोड़ी रहेगी, ठीक है। सो एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। इन्होंने अच्छा एक और सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने किया था। एस्टेब्लिशमेंट तो खैर क्या किया उन्होंने, उसको भारत में कंटिन्यू यहाँ पे रन किया। क्या नाम था उसका? थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी, होम रूल लीग, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने भारत में एस्टैब्लिश किया। खैर थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी, तो मैजम जो एच एस ऑलकेट थी, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, और उनके बाद इन्होंने उसका एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे किया। अब मेन एक तो ब्रदर्स ऑफ इंडिया है, वो भी एनी बेसेंट ने यहाँ पर आपको एस्टैब्लिश किया है ना। और जो ब्रदर्स ऑफ इंडिया है, तो ये बेसिकली थियोसोफिकल जो सोसाइटी था उसके पहले वाला ऑर्गेनाइजेशन था, और उसके बाद उन्होंने फिर थियोसोफिकल जो सोसाइटी है उसके उसको एच एस ऑलकेट के बाद यहाँ पे कंटिन्यू किया। फिर एक जॉर्ज अरुंधले करके इनके एक इम्पोर्टेंट लीडर थे, इनके साथ में थे, इनके साथ में मिलके होम रूल लीग जो है वो होम रूल लीग एस्टैब्लिश किया। वी हैव द टू होम रूल लीग, एक होम रूल लीग जो थे वो तिलक की थी, बाल गंगाधर तिलक की, और दूसरी जो लीग थी वो आपके एनी बेसेंट की थी। तो तिलक वाली जो लीग थी वो महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे छोड़ के महाराष्ट्र वाला रीजन, अपने मध्य प्रदेश में जो सेंट्रल प्रोविंस वाला जो रीजन था, सीपी वाला रीजन, जबलपुर में इनके तिलक की आपके जो ब्रांच थी, खंडवा में इनके इसकी एक ब्रांच थी, और एनी बेसेंट ने उस बाकी जो तिलक का एरिया नहीं था उसको छोड़ के पूरे एरिया में अपनी होम रूल लीग इस्टेब्लिश की। खैर बाद में वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। होम रूल का मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि जैसे आयरलैंड के अंदर होम रूल सरकार बनी है, वैसी सरकार यहाँ पर भी आपको बनाया जाए। सो ए इज राइट आंसर। सो इन द नेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टक द फर्स्ट कॉइन इन इंडिया, भारत में पहले जो सिक्के हैं वो अंग्रेजी सरकार ने किसके नाम से जारी किए? ऑप्शन रीड करो। पोल स्टार्ट नाउ। चलिए, सो फारूक शियार इज द राइट आंसर। फारूक शियार वॉज द फर्स्ट, क्योंकि फारूक शियार के टाइम पर यह था कि धीरे धीरे आपके जो लेटर मुगल थे या जो परवर्ती मुगल जिनको हम बोलते हैं, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। फारूक शियार जो था इसको अब गद्दी पे बैठना था, और गद्दी पे बैठने के लिए इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए था। तो इसके लिए उसने क्या किया कि अंग्रेजों ने इसका सपोर्ट किया, और अंग्रेजों ने इसका सपोर्ट करके जो फारूक शियार हैं, तो फारूक शियार के नाम के जो सिक्के हैं वो सिक्के अंग्रेजों ने यहाँ पर आपको जारी किए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहला राजा था जिसके नाम से जारी किए, और बहादुर शाह जफर था वॉज द लास्ट किंग जिसके नाम से उन्होंने सिक्के जारी किए। बी इज राइट आंसर। पढ़ रहे हैं सब शांति से पढ़ रहे हैं। चलो सो अरे ना भाना ना 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 कहे धूम मचा दो। चलो सो द रिस्पॉन्सिविस्ट क्लास ऑफ लीडर है ना, जो रिस्पॉन्सिविस्ट लोग थे या जो प्रतिक्रियावादी हिंदी में बोलते हैं, तो ये लीडर किसको बिलोंग करते थे? ऑप्शन पढ़ो। यू पोल स्टार्ट नाउ। अच्छी लग रही है, वेरी गुड। सॉरी, ऐसा होता है किसी किसी क्लास में शुरू से ही माहौल शांत रहता है ना, तो बच्चे भी देख लेते हैं कि हाँ भैया आप सब शांत हैं, अपन भी चुपचाप बैठ जाओ, है ना। चलिए, तो ये रिस्पॉन्सिव थे, या पहले प्रो चेंजर और नो चेंजर करके आपको यहाँ पर आपको ग्रुप आया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था कि जब अंग्रेजों के टाइम पर इलेक्शन है, अंग्रेजों के टाइम पर चुनाव अगर आपके जब होते थे, तो कई सारे लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते, लेकिन कांग्रेस उस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती थी। उनका बोलना था कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना मतलब इंग्लिश जो अंग्रेज है उनका जो पॉलिटिकल प्रोसेस है या उनका जो राजनीतिक प्रक्रिया है, उस राजनीतिक प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना वो एक तरीके से हो जाएगा। लेकिन 1923 के अंदर आपके जो
पंडित मोतीलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू के बाद आपके सी आर दास वगैरह जो थे, इन लोगों ने पार्टिसिपेट मतलब पहली बार बोला कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब उन लोगों ने क्या किया, अरे पढ़ लो यार, सुन लो एक्सप्लेनेशन, मैं पूछूंगा तो फिर भागते फिरोगे, समझा रहा हूँ तो सुन लो चुपचाप, शांति ज्यादा अच्छी थी। तो प्लस के बच्चे तो चुप ही रहे चुपचाप, है ना, पहले सुन लो फिर मैं पूछूंगा तो भागोगे फिर, ठीक है। तो अब इसमें जो स्वराजी श्लोक थे, इन स्वराजी श्लोकों ने बोला कि अब हमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, सी आर दास मोतीलाल नेहरू वगैरह ने, और खुद की एक पार्टी जाके यहाँ पर आपको एस्टैब्लिश कर ली। अब पार्टी एस्टैब्लिश कर ली, इलेक्शन लड़ना वहां पर आपको शुरू कर दिया, ठीक है। अब जो रिस्पॉन्सिव लोग थे स्वराजी के अंदर, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एन आर जयकर, तो ये रिस्पॉन्सिव लोग माने जाते थे, है ना। ये लोग जो है वो चाहते थे कि इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करे, उसके बाद सरकार में भी पार्टिसिपेट यहाँ पर आपको करे, लेकिन दूसरा ग्रुप चाहता था कि इसके अंदर पार्टिसिपेट ना करे। तो जो रिस्पॉन्सिव लोग थे वो स्वराजिस्ट माने जाते थे, स्वराज पार्टी वाले लोग, जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके वो सरकार नहीं बनाना चाहते थे, वो अंग्रेजों को शेम पार्लियामेंट डिक्लेयर करना चाहते थे, अंग्रेज के जो उनका पार्लियामेंट था वहां पर जाके उनका विरोध करना चाहते थे। तो वो आपके स्वराजिस्ट लोग थे, रिस्पॉन्सिव लोग थे, या प्रतिक्रियावादी बोल सकते हैं, डी इज द राइट आंसर। चलो, सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन दैट वाज फाउंडेड इन 1851, रीड द आंसर और रीड द ऑप्शन। पोल स्टार्ट नाउ। मेरा ठीक है, मैं थोड़ा थका हुआ हूं बस, और कुछ नहीं। चलिए, सो ए इज राइट आंसर, है ना। तो आपके जो जो राधाकांत देव थे, उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है 1851 में स्टैब्लिश किया, राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो उसके चेयरमैन यहाँ पर आपको बने, उसके अध्यक्ष यहाँ पे बने। इन्होंने फिर बाद में जो ब्रह्मो समाज था, तो ब्रह्मो समाज के अंदर भी जाके इन्होंने आपका पार्टिसिपेशन किया। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बेसिकली जो ब्रिटिश लोग हैं, तो ब्रिटिश का जो पॉलिसी वगैरह है, या ब्रिटिश का वो चीज जो जो उनकी इकोनॉमी वगैरह है उसको डिस्कस करना, और भारतीय लोगों तक उस चीज को यहाँ पर आपको पहुंचाना। सो ए इज राइट आंसर। चलो, सो बैटल ऑफ सेंट थोम वॉज फॉट बिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, किस नदी के किनारे बैटल ऑफ सेंट थोम लड़ी गई, वेगाई, चेयर, अदयार, या फिर आपका वेल्लार। पोल स्टार्ट नाउ। ये तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक बार लीडरशिप लीडर देख लेते हैं, लीडर बोर्ड। शिवम, सूरज, नीलिमा, सत्यम, शैलेंद्र। वेरी गुड, वेरी गुड शिवम। चलिए, सो द राइट आंसर इज अदयार रिवर, है ना। अब अदयार रिवर जो थी, तो बैटल ऑफ सेंट थॉम यहाँ पर हुआ। अच्छा, किस किस के बीच में हुआ था बैटल, ये नाम बताओ। तुक्के गलत होते हैं, तुक्के तो सही होना चाहिए। तुक्के गलत हो रहे मतलब आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, जल्दी बताओ। चलिए, सो सी इज द राइट आंसर। बैटल ऑफ अदियार, बैटल उसको बैटल ऑफ सेंट थॉमे भी कहा जाता था, बैटल ऑफ सेंट थॉम भी कहा जाता था, बैटल ऑफ मेलापुर भी कहा जाता था, अलग अलग तीन चार नामों से आता है। 1746 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ आर्कॉट जो थे, तो
तो अरकॉट के जो नवाब थे उनके बीच में, अरकॉट के नवाब फ्रेंच के सपोर्टर थे ना, तो फ्रेंच की तरफ से उन्होंने यहाँ पर आपको बैटल लड़ा, ठीक है। तो नवाब और अरकॉट और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इनके बीच में ये जो बैटल है, ये इनके बीच में ये बैटल यहाँ पर आपको हुआ, और इसके अंदर आपका जो कर्नाटक वॉर था, जिसको पहला कर्नाटक वॉर बोला जाता है, तो उस पहले कर्नाटक वॉर का, उस वॉर का यहाँ पर आपका पार्ट था, है ना। तो अगर इन जनरल बोलोगे तो फ्रेंच और अंग्रेज के बीच में हुआ था, है ना, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, और थोड़ा सा डेप्थ में अगर जाओगे तो फ्रेंच और अकॉर्ड जो है राजा उनके बीच में हुआ था। सी इज राइट आंसर। सो हु वाज अपॉइंटेड बाय वॉरेन हेस्टिंग एज द चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रीड द ऑप्शन। चलिए, यू पोल स्टार्ट नाउ। ओके, सो ए इज राइट आंसर। एलिजा हेम्पी है, ये सुप्रीम कोर्ट जब बनी आपके 1774 में, तो उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट का पहला जो जज है, पहला जज अपॉइंट किया गया। 2 साल बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, दूसरे किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया। ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन, या पहले आपके सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और इन्होंने फिर जैसे वॉरेन हेस्टिंग और एलिजा हेम्पी हैं, उन्होंने नंद कुमार नाम का एक व्यक्ति था, बंगाल का दीवान हुआ करता था, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा के उसको फांसी की सजा भी दिलवा दी थी, तो उसका भी बड़ा क्रिटिसिज्म उस समय यहाँ पर आपको किया। फिर और भी कई सारे रीजन उसके थे जिसके कारण उसको इस्तीफा देना पड़ा। ए इज राइट आंसर, है ना, एलिजा हेम्पी। अगला क्वेश्चन। सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग सदर निजामत अदालत वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच प्लेस। हेस्टिंग के टाइम पर सदर जो निजामत अदालत है उसकी स्थापना किस स्थान पे की गई। रीड द ऑप्शन। पोल स्टार्ट नाउ। चलिए, सो अलाहाबाद कहाँ से होगा भाई, ठीक है। सो मुर्शिदाबाद इज द राइट आंसर। तो मुर्शिदाबाद के अंदर वॉरेन हेस्टिंग जो है, क्योंकि उस समय पे उन्होंने मुर्शिदाबाद का जो कोर्ट था ये बंगाल के ऊपर पूरा कैप्चर किया, और बंगाल के जो नवाब थे उनका मेन जो प्लेस था मुर्शिदाबाद था, ठीक है। फिर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, फिर अंग्रेजों के टाइम पर जो कैपिटल था वो कैपिटल यहाँ पर आपको ट्रांसफर किया। तो सदर जो निजामत अदालत थी, ठीक है, तो मुर्शिदाबाद में उन्होंने एस्टैब्लिश की, और सदर जो दीवानी अदालत है वो कलकत्ता में, तो कलकत्ता में अंग्रेज लोग रहते थे, तो इनकी दीवानी अदालत थी, वहाँ पे निजाम थे, तो निजाम को लेके उन्होंने निजाम की अदालत यहाँ पे एस्टैब्लिश की। और जो निजामत अदालत था तो वहां पर जो नवाब का प्रधानमंत्री था नायब नजीम, उसको उसका रिप्रेजेंटेटिव या उसका प्रतिनिधि था, उसको उसका हेड वहां पर आपको अपॉइंट किया गया। तो जो निजामत के काम थे वो सदर निजामत में होते थे, और जो दीवानी के काम थे, रेवेन्यू के काम थे, वो आपके दीवानी अदालत में होते थे। तो दो पार्ट में उन्होंने यहाँ पर आपको डिवाइड कर दिया। मुर्शिदाबाद इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर बाद में ये चार अलग अलग जगह पर बाद में स्टैब्लिश हुआ। चलिए, सो द बैटल ऑफ भोपाल वॉज फॉट बिटवीन द विच ऑफ द फॉलोइंग। भोपाल का जो बैटल है, भोपाल की लड़ाई है, किनके बीच में हुई। रीड द ऑप्शन। चलिए, यू पोल स्टार्ट नाउ। ओके, सो द बैटल ऑफ भोपाल, और ये आपके मराठा जो राजा थे बाजीराव,
उनके बीच में और हैदराबाद के जो निज़ाम थे, निज़ामुल मुल्क, उनके बीच में ये बैटल हुआ। और इस बैटल का मेन रीज़न यहाँ पर जो था वो था आपका मालवा। तो वो लोग मालवा पे कैप्चर करना चाहते थे। मालवा पे कैप्चर करने के लिए बाजीराव फर्स्ट हैं, वो भी लगे हुए हैं। अब कैप्चर वो कर चुके हैं, लेकिन शाही उनको जो फरमान है, शाही फरमान नहीं मिला है। शाही फरमान आपके जो मुगल हैं, मुगल राजा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो निजामुल मुल्क है वो बादशाह से मिलके आ रहा था भोपाल के पास में, और भोपाल के पास में भोपाल का राजा उस समय था दोस्त मोहम्मद खान। तो दोस्त मोहम्मद खान भी इसका एक तरह से फ्रेंड था, इसके पास में यहाँ पे रुका। भोपाल में किला है, फतेहगढ़ का किला, तो उस फतेहगढ़ के किले के ऊपर ये यहाँ पर आपको रुके, और यहाँ पर पता चलता है आपके बाजीराव को कि यहाँ पर ही रुका हुआ है। इसके ऊपर फिर हमला करता है। पहले तो ये जो भोपाल का जो फतेहगढ़ वाला जो पूरा किला है, उस पूरे किले को ये चारों तरफ से घेरता है, 4 महीने तक उसकी घेराबंदी करता है। उसके बाद जो बाजीराव आपका निजामुल मुल्क है बाहर आता है, दोनों के बीच में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ भोपाल, भोपाल के पास में। और उसके बाद में एक संधि होती है, तो संधि इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ दोहरा सराय। तो दोहरा सराय की एक ट्रीटी होती है, और दोहरा सराय की जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के अंदर जो निजामुल मुल्क है उससे बाजीराव कई सारी कंडीशंस वगैरह हैं, कंडीशन वगैरह एक्सेप्ट करवाता है कि मेरा रिकग्निशन तुम करवा दोगे, माने तो उससे वगैरह वगैरह करके कई सारी कंडीशन होता है। तो बैटल ऑफ भोपाल इट्स फॉलोड बाय द ट्रीटी ऑफ दोहरा सराय, है ना। तो ए इज राइट आंसर, 1737 में ये बैटल यहाँ पर आपको हुआ था, है ना, ए इज राइट आंसर। चलिए, सो फेमस हिस्टोरियन ग्रांट डफ गेव द टाइटल नेपोलियन ऑफ द मराठा, है ना। मराठाओं का नेपोलियन टाइटल किसको दिया था? पोल स्टार्ट नाउ। हाँ, रोज इसी टाइम पे होती कल्पना। अच्छा, इनमें से पहला पेशवा कौन था? ना ना, विश्वनाथ, वेरी गुड। बालाजी विश्वनाथ वाज द फर्स्ट पेशवा, वेरी गुड। चलिए, उसके बाद फर्स्ट इंडिपेंडेंट पेशवा आप बोल सकते हो, है ना। चलिए, जो इंडिपेंडेंट रूप से आपका मराठा कन्फेडरेटरी का मेंबर यहाँ पे बना। बी इज द राइट आंसर। ग्रैंड डफ थे, उन्होंने आपके जो बाजीराव फर्स्ट हैं उनको आपका द नेपोलियन ऑफ मराठा कहा, क्योंकि कई सारे बैटल्स उन्होंने लड़े थे, और लगभग लगभग हर बैटल के अंदर जो बाजीराव हैं उनकी जीत यहाँ पे हुई थी। उसके बाद इनको संस्कृत लिटरेचर और बाकी कई सारी दूसरी चीजें उनमें भी बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए, सो हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विलेज ऑफ द मराठा अंपायर अंडर द पेशवा, है ना। तो पेशवाओं के अधीन मराठा जो साम्राज्य थे उसकी प्रशासनिक है जो गांव थी, उस गांव का प्रधान कौन होता था? रीड द ऑप्शन। चलिए, सो पटेल इज द राइट आंसर। जो पटेल होता था वो पेशवाओं के टाइम पर जो गांव था, गांव का एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुआ करता, कई सारी पोस्ट हुआ करती थी। एक विलेज का जो हेडमैन होता था उसको पटेल बोला जाता था। फिर विलेज का जो क्लर्क होता था, जो रेवेन्यू वगैरह जो है उसका पूरा कलेक्शन वगैरह किया करता था, इसको कुलकर्णी बोला जाता था। क्लर्क है ना, कुलकर्णी जो है वो जनरली हमेशा ब्राह्मण व्यक्ति होता था, जो रेवेन्यू वगैरह जो है उन सबका मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट यहाँ पर आपको करता था। पटेल भी बोल सकते हो, है ना। तो पटेल बाद में फिर आपका पाटिल हो गया। सो सी इज द राइट आंसर। चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द सेंट हेलेना एक्ट। इनमें से कौन सा जो कानून है उसको सेंट हेलेना अधिनियम भी बोला जाता है? रीड द ऑप्शंस। चलिए, यू पोल स्टार्ट
नाउ। हाँ आज भी होते हैं बिल्कुल। सो द राइट आंसर इज बी, है ना। तो बी इज राइट आंसर। 1833 का जो कानून था उसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है ना, क्योंकि सेम आपका जो कानून है, हेलेना करके एक आइलैंड है अफ्रीका के कॉर्नर पे, तो उस एरिया के लिए भी सेम कानून लाया गया था। तो विलियम जो बेंटिक है उनके टाइम पर इस लॉ को यहाँ पर आपको लाया गया, और यहाँ से फिर आपके जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको बनाया गया। सो बी इज राइट आंसर। सो द बैटल ऑफ खारदा ना, सो द बैटल ऑफ खारदा इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के किस गवर्नर जनरल के शासन काल में खारदा का युद्ध हुआ था। रीड द ऑप्शन। मंत्रा अकेडमी, शैलेन तिवारी सर। चलिए यू पोल स्टार्ट नाउ। मुझे देखा है कब कहां। चलिए ठीक है। सो ए इज राइट आंसर। बैटल ऑफ खारदा है 1795 में हुआ, और ये जो बैटल था ये मराठों और निजाम के बीच में यहाँ पे हुआ था, और ये आखिरी बैटल था जहाँ पर जितने भी मराठा लोग थे, जितने भी मराठा आपके जो सरदार थे, उन मतलब जितने भी 5 इंपॉर्टेंट लीडर थे उनके बीच में ये कंबाइंड बैटल यहाँ पे हुआ था। सबने मिल के लड़ा और 1795 में उन्होंने निजाम को यहाँ पर आपको डिफीट किया था। तो आखिरी बैटल था जिन्होंने साथ में यहाँ पर आपको लड़ा है। भंवर कुआं गए मेरे को सालों हो गए, तो 2016 में भंवर कुआं गया था मैं, उसके बाद आज तक भंवर कुआं ही नहीं गया। ए इज राइट आंसर, कोई और होगा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द हाउस ऑफ पेशवा, है ना। तो पेशवा राजघराने के संस्थापक कौन थे। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव फर्स्ट, या फिर आपका बालाजी बाजीराव सेकेंड। चलिए सो यू पोल स्टार्ट नाउ। तुम्हारे घर में कब आया, तुम कहां रहते हो। इंद्रपुरी। नहीं, उधर भी बहुत टाइम से नहीं आया। चलिए तो ए इज द राइट आंसर, है ना। तो बालाजी विश्वनाथ है, बालाजी विश्वनाथ जो है तो हाँ मंत्रा एकेडमी में आया था, वहां जरूर आया था। चलिए सो ए इज द राइट आंसर, बालाजी विश्वनाथ थे। उन्होंने पेशवा जो कन्फेडरेटरी है, राजघराने को आप कन्फेडरेटरी बोल सकते हैं, तो मराठा कन्फेडरेटरी है उसका उन्होंने यहाँ पर आपको एस्टैब्लिशमेंट किया, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अब जो मराठा थे तो मराठा साम्राज्य एक तरह से खत्म हुआ, और मराठा साम्राज्य के तरह उन्होंने कन्फेडरेटरी बनाया जिसके अंदर आपके जो 5 इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज थी, जैसे आपका सिंधिया है, होलकर है, देन भोसले हैं, गायकवाड हैं और पेशवा हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, और सभी डायनेस्टी को अपना अपना एरिया जो है वो डिवाइड कर दिया, और अपने अपने एरिया में उन्होंने अपना रूल किया। तो ए इज राइट आंसर, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मराठा कन्फेडरेटरी का एस्टैब्लिशमेंट किया। और पेशवा जो थे वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे, और शाहू जो थे वो आपके मराठा किंग उस समय थे। तो ए इज राइट आंसर। कन्फेडरेटरी राज्य संघ।
सो हु ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट या हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है उसकी शुरुआत किसने की? विलियम बैट्रिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर आपका लॉर्ड रिपन। चलिए योर पोल स्टार्ट नाउ। तो हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट। चलो सो बी इज राइट आंसर, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी हैं, उनके टाइम पर इस लॉ को यहाँ पर आपको लाया गया, और उस समय पे एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था जॉन बैथन। तो इन्होंने एक बैथन स्कूल भी बनाया था वुमेन एजुकेशन के लिए, तो उनकी मदद से ये वुमेन एजुकेशन जो बिल है वो यहाँ पे, ये वो आपको वुमेन एजुकेशन और एम्पावरमेंट के लिए लॉ जो है वो लॉ यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट किया, और ये कानून उन्होंने बनाया, और कानून बना के जो विधवा पुनर्विवाह है उस विधवा पुनर्विवाह को यहाँ पर आपको लागू करवाया। ठीक है, उसके बाद ये जब लॉ लागू हुआ तो कई सारे लोगों के अंदर विद्रोह हो गया, स्पेशली आपके जो उस समय के हिंदू लोग थे, तो विडो रीमैरिज करना मतलब समाज में बहुत बड़ी बात हो जाती थी, उसके लिए कानून बन गया, तो इंडियन जो लोग थे उन्होंने भी इसका बड़ा यहाँ पर आपको विरोध किया। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। सो हु ऑफ द फॉलोइंग डिमांडेड अ सेपरेट सिख स्टेट व्हेन द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय पे, उसके आने के समय पे आपका जो सिख राज्य है तो सिख राज्य की स्थापना की मांग किसने की? जैसे मुस्लिम के लिए अलग से वैसे उनके लिए यहाँ पर है, तो करतार सिंह, गुरदत्त सिंह, रामजीत सिंह या फिर आपका बलदेव सिंह। चलिए यू पोल स्टार्ट नाउ। कैनिंग के टाइम पर इम्प्लीमेंट हुआ था ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, देख लूंगा एक बार, मैं देख लूंगा देख लूंगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन भारत आया, और उस समय में ये था कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग है वो अपना अलग से एक पाकिस्तान स्टेट बनाना चाहती थी, जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया था, तो जो सिख मेजोरिटी वाला एरिया था यहाँ पर ये लोग मिलकर अलग से एक सिख स्टेट या एक अलग से कंट्री यहाँ पे बनाना चाहते थे, तो उसको लेके ज्ञान जो ज्ञानी करतार सिंह है उन्होंने यहाँ पर आवाज उठाई, उनके सामने एक रिप्रेजेंटेशन वहां पर आपको रखा, लेकिन इन द लेटर पीरियड उन्होंने ना पाकिस्तान की डिमांड मानी ना ये डिमांड मानी। सो ए इज राइट आंसर। रुक जाओ 2 मिनट। चलो सो हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द नील दर्पण इनटू इंग्लिश, इनमें से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया? माइकल मधुसंद, ऑप्शन पढ़ लो। पोल स्टार्ट नाउ। कमी है, 30 सेकंड है, 30 से कम नहीं होता, तो 15 सेकंड बच्चों तक टेस्ट पूल पहुंच ही नहीं पाता है, तो 15-30 सेकंड इज मिनिमम टाइम होता है, लेकिन नहीं करना, लोगों तक टेस्ट नहीं पहुंच पाता है ना, बहुत सारे बच्चे जो है वो रिकॉर्डिंग दे, मतलब बहुत सारे बच्चे जो है वो नेटवर्क उनका स्लो होता है, तो उन तक पूल पहुंचने में टाइम लगता है, 15 सेकंड में तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, सोचोगे जब तक। चलिए सो द राइट आंसर इज माइकल मधुसूदन दत्ता। नील दर्पण जो है वो उसका ट्रांसलेशन उन्होंने यहाँ पर आपको किया, और नील दर्पण के अंदर बेसिकली यहाँ पर क्या था कि उसके अंदर आपके जो जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, इंडिगो जो क्रांति हुई थी,
तो उस क्रांति को लेके एक प्ले लिखा गया था, एक नाटक यहाँ पर आपको गया था दीनबंधु मित्रा ने, और उसके माध्यम से उन्होंने जो भी उनकी प्रॉब्लम वगैरह है उन लोगों की, उसको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो उसका फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है वो माइकल मधुसूदन दत्ता ने किया था। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द शिवाजी फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड बाय द बाल गंगाधर तिलक इन विच ईयर, किस साल में बाल गंगाधर जो तिलक थे उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत है उसकी शुरुआत की थी। सो यू पोल स्टार्ट नाउ। सो 1894, 1894 में बाल गंगाधर जो तिलक है उन्होंने गणेश उत्सव की यहाँ पे शुरुआत की, और उसके बाद साथ में जो रायगढ़ का किला था वहां से शिवाजी उत्सव की भी यहाँ पर आपको शुरुआत की, जहाँ पे दोनों प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन थे। अब ये एक तरह से रिलीजियस फेस्टिवल थे, तो अंग्रेज इनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगा नहीं सकते थे, धार्मिक फेस्टिवल थे, तो इन्हीं की आड़ में कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियां या कई सारी बैठक वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती थी। सी इज राइट आंसर। ओके, सो द वर्ड आदिवासी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर द ट्राइबल पीपल ऑफ, किस एरिया के ट्राइबल पीपल जो है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, आदिवासी जो शब्द है ट्राइबल लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले किसने यूज किया? रीड द आंसर ऑप्शन। सॉरी, ओके, सो द राइट आंसर इज ठक्कर बप्पा। इन्होंने पहली बार जो आदिवासी जो शब्द है उस आदिवासी शब्द का यहाँ पर आपको उपयोग किया, और महात्मा गांधी ने इन लोगों को वन जन है, वन जन यहाँ पर आपको कहा था। चलो अगला क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान, इनमें से कौन सा जो है, नहीं वो हरिजन उन्होंने शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को बोला था, यहाँ पर हम शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, तो शेड्यूल ट्राइब को उन्होंने वन जन बोला था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान, रीड द ऑप्शन। चलिए, यू पोल स्टार्ट नाउ। इनमें से कौन सा सही नहीं है? सो ऑब्वियसली बात, सी इज राइट आंसर, है ना। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उस समय पे उन्होंने जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी, क्योंकि वो चाहते थे कि अलग से पाकिस्तान स्टेट बनाया जाए, तो उन्होंने बोला इट्स नॉट अ वायबल ऑप्शन, पाकिस्तान बनाने की जरूरत नहीं है। जबकि उसके बदले उन्होंने बोला कि भारत के दोनों तरफ वेस्ट में और ईस्ट में जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया है, तो उस मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया में उनको अलग से पावर दिया जाए, अलग से कुछ अधिकार यहाँ पे दिया जाए, और माइनॉरिटी राइट्स वगैरह दे के स्टेट जो है राज्य है उनको ज्यादा शक्ति जाए, और केंद्र जो है उसको थोड़ा कमजोर रखा जाए, तो उस प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन उनको बढ़ा दिया जाए, और ये ऑर्गेनाइजेशन बना के ये चीजें कर दिया। तो पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो पूरी तरीके से उन्होंने सिरे से यहाँ पर आपको खारिज कर दी थी। ठीक है, तो दोनों तरफ आपका नॉर्थ वेस्ट, दोनों तरफ आपके जो मुस्लिम पॉपुलेशन वाले एरिया थे उनको एक अलग से एरिया डिक्लेयर करने की यहाँ पर आपको घोषणा करी। ठीक है, तो कौन है हमारी क्लास के टॉपर? तो टॉपर है नीलिमा माझी। ओके, तो 31, वेरी गुड। शिवम दुबे, सूरज मीना, निशांत, आशुतोष शर्मा, सुरभि असाती, संजय सजल इचके, सरिता कुमरे, गीता शर्मा एंड अविनाश सिंह। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सभी का।
वेरी गुड, चलिए, सो दैट्स ऑल दिस लेक्चर। और अगले लेक्चर में कल शायद एक 3 घंटे की स्पेशल क्लास होगी जहाँ पर हम एमपी ज्योग्राफी हैं उसके 100 MCQ सॉल्व करेंगे स्पेशल क्लास में। बट वो कब होगी उसका टाइम मैं आपको ग्रुप में एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा, या मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसमें भी इन्फॉर्म कर दूंगा, और उसके अलावा मेरा जो फीड है फीड में भी अपडेट कर दूंगा, तो वहां पर जाके आप उसको चेक कर लेना। चलिए, सो दैट्स ऑल दिस लेक्चर, गुड नाइट। कल 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 टाइम में बता दूंगा, टाइम अभी कंफर्म नहीं है।